देखा उसको। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि उसको जो लड़की लड़का है, मेरे दोस्त का जो लड़का है वो है करीबन 3 साल का है। और उसको दिक्कत क्या है, तो उसको दिक्कत दोस्तों ये है कि जो उसका जो यूरिन की जगह होता है ना, जो पेशाब की जगह होती है, वो उसको पेशाब नहीं हो रहा है। उसको पेशाब की जगह मतलब पेशाब करने में उसको दिक्कत हो रही है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? आई होप कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो ब्लॉग में। और दोस्तों जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, कमेंट करें ना बोले। चलिए दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप लोग भी बने रहे मेरे साथ। मतलब घर से निकले अभी और दोस्तों हम भी पहुँच रहे हैं, वो भी पहुँचने वाला है। चलिए दोस्तों आप लोग भी बने रहें, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों दोस्तों अभी रोड यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। और ये दोस्तों रोड क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ भी दोस्तों रोड क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों रोड क्रॉस कर लिया है और हम भी यहाँ पहुँच गए। और चलिए दोस्तों अभी पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मतलब 2 मिनट लगेगा बस पहुंचने वाला है। अभी हम पहुंच गए हैं, दिखा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये क्लिनिक है। चलिए दोस्तों नज़दीक जाकर देखा था आप लोगों को। दोस्तों ये देखिए क्लिनिक ये है। कल दोस्तों संडे को बंद ही दुकान, आज खुली हुई है। चलिए दोस्तों उसका आने का वेट करते हैं, क्योंकि वो भी दोस्तों ही आया नहीं है। अभी वो आ जाएगा, उसके बाद फिर लेके फिर चलते हैं, क्योंकि अभी तो आज मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो जल्दी काम हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी जस्ट घर आया हूँ और डॉक्टर के पास गया था। और वहाँ जाने के बाद फिर उसको हमने पर्ची कटवाया। हमने पर्ची कटवाने के बाद फिर उसको हम लेके गए अंदर। और अंदर ले जाने के बाद फिर डॉक्टर से मिलवाया, डॉक्टर ने देखा उसको। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि उसको जो लड़की लड़का है, मेरे दोस्त का जो लड़का है वो है करीबन 3 साल का है। और उसको दिक्कत क्या है, तो उसको दिक्कत दोस्तों ये है कि जो उसका जो यूरिन की जगह होता है ना, जो पेशाब की जगह होती है, वो उसको पेशाब नहीं हो रहा है। उसको पेशाब की जगह मतलब पेशाब करने में उसको दिक्कत हो रही है। वो इसी वजह से मतलब वो काफ़ी मतलब बच्चा भी परेशान हो रहा है। और अभी हुआ ये था कि उसने सरकारी हॉस्पिटल में जाके उसने ऑपरेशन करवाया था उसका। तो ऑपरेशन करवाने के बाद क्या है कि उसके मतलब ना वो पक गया था। तो पकने के बाद मतलब उसको दिक्कत होने लगी। और तो वही मतलब दिखाने के लिए हम प्राइवेट में गए थे कि ताकि मतलब प्राइवेट में काम बन जाए। लेकिन दोस्तों प्राइवेट में जाने के बाद भी फिर इन्होंने फिर मना कर दिया। लेकिन हालाँकि जहाँ पर पहले ऑपरेशन जहाँ हुआ था उसका, उसको बता दिया है। और वहाँ उसको बताने के बाद उसका लिखा हुआ भी है कि दोबारा उसको मतलब करना पड़ेगा। किस तरीके से किया उसने पता नहीं, एक बार में हुआ नहीं। अब दोबारा दोस्तों जाएंगे वहाँ और देखते हैं अब कैसे क्या नहीं है, क्योंकि टाइम भी होना चाहिए। अगर जाएगा, जाना अगर होगा तो फिर जाएगा, लेकिन कब जाएगा पता नहीं है, क्योंकि ड्यूटी करने वाले हैं सब। मैं तो फ़िलहाल अभी ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत मतलब अपना घर में थोड़ा बहुत जो अपना सिलाई काम होता है वही अपना कर लेता हूँ। उसको देखो अभी जाएगा, कब जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया उसको कि देखो आप 40 में करवा लो, अगर 40 में अगर करवा सकते हो तो। लेकिन मेरे ख्याल से 40 में पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने 40 में करीबन 1.5-2 साल मैंने काम किया है। वो प्राइवेट है तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा पैसा लग सकता है वहाँ पर। सो इसलिए हमने मतलब मना कर दिया कि नहीं, एक बार जाके दोबारा जाके सरकारी में ही मिल ले। क्योंकि अगर हो सकता है, अब उसकी मर्ज़ी, उसका लड़का है, अगर पैसे वो लगा सकता है तो वो प्राइवेट में करा लेगा, अगर नहीं हो सकता तो फिर सरकारी में ही उसको जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग भी बने रहें मेरे साथ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, हम मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जो मेरे इस चैनल पर नए होंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं,
हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।